वेलकम बैक एवरीवन। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम सिंगल इमेज को अपने यूआई से कंप्रेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी से, ठीक है, कि डायरेक्टरी से हम कैसे उस पिक्चर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, किसी डायरेक्टरी के अंदर की सारी पिक्चर्स को एक्चुअली। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज़ कर रहे हैं, देन जो भी उस इमेज की विड्थ होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और फ्रॉम हाई मीडियम क्वालिटी को सेलेक्ट करके उस विड्थ को हाफ या उसका 1/4 कर सकते हैं, राइट। कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुलेगी और हमारा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब नाम मांगेगा, ठीक है, इमेज का, किस नाम से आपको इमेज को सेव करना है, तो वो हमारा हो जाएगा सेव, राइट। तो आज मैं करना है ये सेम चीज़ पूरी डायरेक्टरी के लिए। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि मैंने एक जेनरिक कंप्रेशन कोड लिखा है कि हम दोनों केसेज में, डायरेक्ट्री वाले में, सिंगल इमेज वाले में, ये कंप्रेशन कोड को करेंगे कॉल, राइट। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, अंदर सेल्फ डॉट क्वालिटी पाथ डॉट टेक्स्ट, जो कि हमारा सिंगल इमेज वाली विंडो पे है, राइट, ये हमारा जो नाम है जहाँ से हम विड्थ को गेट कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, तो ये हमारा इसका नाम है, राइट। इसके अंदर से हम विड्थ को कर रहे हैं फैच, लेकिन जब हम बात करेंगे डायरेक्टरी की तो हमें विड्थ फैच करनी है यहाँ से, ओके। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं भाई कि जो हमारी माई विड्थ है वो हम इसी कोड के अंदर कर लेते हैं रिसीव, ओके, और मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए ये माई विड्थ, क्योंकि हम इसको यहीं से पास करेंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फैच कर लूँगा किसी भी लाइक, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ कॉमा लगा के, राइट। तो यहाँ से विड्थ हमारी आ जाएगी क्वालिटी पाथ टेक्स्ट से सिंगल इमेज के लिए, और यहाँ हम वो कर देंगे पास। तो इस केस में हमारा जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली वर्क करेगा, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम जरा डेस्कटॉप पे जाते हैं भाई, ओके, और जो हमारी एक्स्ट्रा इमेजेस हैं मैं इनको कर लेता हूँ डिलीट, ताकि आपको एक डेमो शो कर दूँ कि भाई ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ पे अब इसको किया क्लोज, फिर से करते हैं रन पहले तो, ओके, रन किया एंड देन कंप्रेस, यहाँ से मैंने इमेज को किया सेलेक्ट, ओके, और यहाँ से हमने हाई मीडियम लो क्वालिटी जो आपको चाहिए आपने वो की सिलेक्ट एंड क्लिक किया कंप्रेस पे। इमेज का नेम मांगा तो मैंने लिखा मीडियम, ओके, एंड प्रेस एंटर, और यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया कंप्रेस्ड। तो अब अगर जाके मैं अपनी डायरेक्टरी में चेक करूँगा तो यहाँ पे मीडियम डॉट जे पी जी नाम की एक पिक्चर आ गई, और वो रही हमारी ये, राइट, 115.7 के बी की पिक्चर है, अच्छा खासा रेजोल्यूशन है पिक्चर का, राइट, ओके। तो यानी हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है वर्क, ओके। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इन सबको मैं ट्रैश में मूव कर देता हूँ, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर अपनी नई पिक्चर्स को डालेंगे जो भी हमारी न्यू वाली पिक्चर्स आएंगी, ओके। सो जस्ट लेट मी ओपन द कोडिंग विंडो। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी के लिए हम सेम चीज कैसे करेंगे, ओके। तो फिलहाल हमें करना क्या है, जैसे हमने रिसाइज पिक के लिए लिखा है, राइट, कोड, तो हमें सेम यही कोड लिखना है कंप्रेशन, ठीक है, यही कोड को हम यूज़ करेंगे कंप्रेस करने के लिए। बस हमें अब इस रिसाइज पिक की जगह पे रिसाइज डायरेक्टरी नाम का एक फोल्डर बना लेना है, ओके। तो मैं जस्ट इसी के नीचे एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक डेफ यू नो रिसाइज फोल्डर, ओके, Here we will receive self, और ये फोल्डर हम करेंगे कब कॉल, जब हमारा यू नो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा कंप्रेस dir बटन है ये हमारा हो रहा है कॉल, ओके। तो बटन को हम कैसे कॉल करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, मैं इस लाइन को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ओके, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, जस्ट हमें चेंज करना होगा कंप्रेस इमेज की जगह पे कंप्रेस dir, ओके, एंड रिसाइज पिक की जगह पे हम यहाँ कर देंगे रिसाइज फोल्डर, तो इस वे से हमारे पास में जो हमारा वो मेथड हमने नीचे बनाया है वो हमारा हो जाएगा कॉल, राइट। तो मैं जल्दी से रिसाइज फोल्डर वाले के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा पाथ, सोर्स पाथ, राइट, फिर हमें चाहिए होगा डेस्टिनेशन पाथ,
तो सोर्स पाथ फटाफट से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो भी हमारी डायरेक्टरी है जहाँ से हमें चीज़ों को, जहाँ से हमें इमेजेस मिलेंगी सोर्स वाली, तो वो हमारी है सेल्फ डॉट सोर्स पाथ डॉट टेक्स्ट, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ प्रिंट डायरेक्टरी को, और हम इसको करें फिर से रन, और मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, कोई भी एक डायरेक्टरी को करूँ चूज, राइट। डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे किया, पिक्स किया, ओपन किया, ओके। तो यहाँ पे हमारे वो हो रही है प्रिंट होम इंद्रजीत डेस्कटॉप पिक्स, यानी इस फोल्डर के अंदर हमारे पास में सारी की सारी पिक्चर्स हैं जो हमें करनी है क्या सेव, राइट, जिसको हमें कंप्रेस करके सेव करना है, ओके। तो अगेन हम सेम प्रोसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे सारी सारी फाइल्स चाहिए उसके अंदर, तो मैं लिख दूंगा फाइल्स इक्वल टू, ओके, फाइल्स इक्वल टू ओ एस डॉट लिस्ट डी आई आर, ओके। तो इस फाइल फोल्डर के अंदर जितनी भी इस डी आई आर डायरेक्टरी के अंदर हमारी इमेजेस होंगी वो सारी आ जाएंगी, राइट। नॉट इमेजेस, अगर हमारे कोई और भी फाइल या फोल्डर है वो भी हमारा इस फाइल्स के अंदर आ जाएगा, राइट। तो हमें करना क्या है, हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे इफ, सर फॉर लूप लगाते हैं फॉर फाइल इन फाइल, ताकि एक एक फाइल के साथ में हम काम कर पाए। इफ फाइल जो हमारा फाइल का लास्ट है, एक्चुअली मुझे करना क्या है कि यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर हमारी फाइल जो है फोल्डर के अंदर वो इमेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूज़र को नहीं पता कई बार और भी फाइल होगी, उसको भी कंप्रेस करने की कोशिश करेगा हमारा कोड, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो किसी टेक्स्ट फाइल को या किसी और टाइप की फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकता है ना। तो उस केस में हम यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ़ जो हमारा फाइल के जो लास्ट के तीन हैं, ओके, अगर वो हमारे हैं डॉट JPG, ओके, या जो भी आपके इसमें पॉसिबल केसेस हैं हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, और वो है हमारे डॉट PNG, ओके, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और लास्ट के जो चार हैं वो हमारे हैं डॉट JPEG, ओके। देन कई बार हमारे केसेस में ये भी होता है कि भाई, ओके, यहाँ पे कोई एरर है, लेट मी सी, PNG पे इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, ऐसे क्यों भाई, तो कोई इनवैलिड वगैरह सिंटैक्स नहीं था, जस्ट मुझे कंट्रोल एस करने की ज़रूरत थी, ओके। तो जेपैक से एंड होता है, या फिर कई बार ये भी होता है ना कि हमारा ये अपर केस में भी हो सकता है, राइट, क्योंकि PNG मैंने बहुत जगह पे कैपिटल में लिखा हुआ देखा है, तो वो केस भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि अगर भाई ये जो जेपैक लिखा हुआ है ये हमारा है कैपिटल लेटर्स में, देन और वी हैव हियर सेम PNG कैपिटल में, या फिर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, और ओके हियर वी हैव फोर, ओके, एंड वी विल हैव हियर जेपैक, ओके। तो अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, हम करेंगे एल्स, हम कर देंगे अपने लूप को कंटिन्यू, ओके। इससे क्या होगा कि अगर हमारी इमेज फाइल के अलावा और कोई फाइल है, ओके, तो वो हमारी हो जाएगी इग्नोर, क्योंकि तुरंत हमारा लूप नेक्स्ट वाली फाइल पे आ जाएगा। अमेजिंग। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई नया फॉर्मेट आपकी इमेज का है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर अपना लिखते हैं कोड जो हमें हमारे इमेज को कंप्रेस करने के लिए लिखना है। तो हमें एक्चुअली जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें अब ये वाला फंक्शन करना है कॉल कंप्रेशन कोड वाला, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले विड्थ, ओके। तो अब होगा क्या कि हमें हर एक फाइल की विड्थ चाहिए होगी, राइट, जितनी फाइल्स हमारे पास में हैं। तो अगेन जो हमने ऊपर एक और कोड लिखा था किसी भी फाइल की विड्थ को फाइंड आउट करने का, तो वो कोड हम कर लेंगे कॉपी,
कहाँ पे लिखा था भाई? ओके हियर वी गेट इट, ठीक है। इस कोड को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके तो जो हमारी फाइल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पास, और इन द एंड हमारे पास में ओके आई एम जी पे देयर एरर, लेट मी सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके सॉरी, ओके तो आई एम जी इक्वल टू आई एम जी डॉट ओपन, यहाँ पे हो जाएगी हमारी फाइल जो भी हमारी इमेज फाइल है। ओके देन हम इसकी विड्थ को सेट कर देंगे कहाँ पे? क्वालिटी कॉम्बो पाथ पे। ओके तो वहां पे हम सेल्फ डॉट इमेज विड्थ कर रहे हैं सेट, राइट? ओके नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें सेट करना है सेल्फ डॉट इमेज विड्थ, मैं इसी लाइन को कॉपी करके इसको इंटीजर में चेंज करके, एक्चुअली इंटीजर में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सेल्फ डॉट इमेज विड्थ को कर सकते हैं पास कहाँ पे? इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं अपना कोड कॉल कर लूँगा कंप्रेशन, एक्चुअली सेल्फ डॉट कंप्रेशन कोड। ओके और इसके अंदर हम पास कर देंगे लाइक ओल्ड पिक, तो ओल्ड पिक हमें चाहिए होगी विद द पाथ, पाथ और उसका जो भी हमारे फाइल का नेम है वो, राइट? अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ओके डायरेक्टरी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, राइट? सोर्स डायरेक्टरी जो भी हमारी है, तो हम इसको नाम डायरेक्टरी नहीं है एक्चुअली, सोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ओके तो डायरेक्टरी मुझे यहाँ से मिल जाएगी सोर्स डायरेक्टरी, और अगेन यहाँ पे भी सोर्स डायरेक्टरी। ओके तो अब हमें चाहिए डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, क्योंकि ओल्ड पिक के साथ साथ में हमें न्यू पिक भी चाहिए होगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जल्दी से लिख देता हूँ ओल्ड पिक इक्वल टू जो भी हमारी सोर्स डायरेक्टरी है प्लस जो भी हमारी फाइल का नेम है अभी के लिए, ठीक है। और सेम वे हम यहाँ पे लिखेंगे भाई जो हमारी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है वो हमारी होगी कहाँ पे? सेल्फ डॉट टेस्ट पाथ डॉट टेक्स्ट, राइट? यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी मिल जाएगी, और अगेन जो हमारी न्यू पिक है, न्यू पिक वो हमारी हो जाएगी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, और जो नेम होगा फाइल का वो हमारा होगा एग्जैक्टली सेम। ओके तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ से हम कर लेंगे हमारे फंक्शन को कॉल, दैट विल बी ओल्ड पिक पास करनी है हमें उस फंक्शन में, न्यू पिक पास करनी है एंड कॉमा। ओके क्या पास करना है यहाँ पे? ओके सेल्फ डॉट इमेज विड्थ, नॉट इमेज पाथ, इट्स जस्ट इमेज विड्थ, ठीक है। वैसे हम ये काम सिंगल इमेज के लिए भी कर सकते थे, लाइक सेल्फ अगर हमें यहाँ पे माई विड्थ नहीं चाहिए था, अगर ये पैरामीटर हमें नहीं पास करना था, हम इसको भी इसके अंदर गेट कर सकते थे, राइट? और ये इमेज विड्थ को हम अपने जो हमारा सिंगल इमेज वाला है उसके अंदर भी सेट कर सकते थे, लेकिन ओके नॉट अ प्रॉब्लम अगर ऐसे ही हमारा काम हो जाता है तो। तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन हेयर, जैसी हमारी सारी चीज़ें हो जाएं वैसे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा कंप्रेस्ड, प्रिंट नहीं एक काम करते हैं सेल्फ डॉट स्टेटस बार डॉट शो मैसेज, इसके अंदर मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ। ओके लाइक कंप्रेस्ड, तो आई थिंक इतने कोड से अभी के लिए काम चल जाना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या क्या एरर हमारी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हमने कोड को रन नहीं किया है। ओके तो मैं यहाँ कंप्रेस मल्टीपल इमेजेस पे जा रहा हूँ, और ये रही हमारी इमेज डायरेक्टरी जिसके अंदर से मैं इमेज को पिक करूँगा। तो ये मैरिज पिक्चर्स एक्चुअली मेरे मामा जी की, तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाने वाला, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी आप पहले देख चुके हैं कितनी अच्छी आती है कंप्रेस करने के बाद में भी। तो जस्ट हमारे पास में एक नया फोल्डर यहाँ पे है जो हमारे बिल्कुल अभी एम्प्टी है। ओके तो मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट सोर्स डायरेक्टरी को चूज़ करूँगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके पिक्स से। ओके एंड जो हमारी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसको हम न्यू पिक्स सेट कर लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे कंप्रेस। ओके वेट वेट,
एक दिक्कत आएगी क्या अभी जिस मैंने देखा, तो हमें अपना एप्लीकेशन आई थिंक फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे प्लस किया राइट सोर्स डायरेक्टरी को, तो उसके पीछे स्लैश नहीं है, इफ़ यू कैन नोटिस दैट। कहाँ गया भाई? ओके, तो इन नाम्स के पीछे, इन नेम्स के पीछे हमारा स्लैश नहीं है, तो डिस्क के जस्ट आगे हमारा फाइल का नेम आ जाएगा, तो उससे फाइल मिलेगी नहीं। सो जस्ट वी नीड टू ऐड अ स्लैश हियर। ओके, तो बढ़िया, तो अब इसको करना है हमें क्लोज, फिर से करना है रन, एंड देन वी विल जस्ट क्लिक ऑन मल्टीपल इमेजेस, फिर से हमारी डायरेक्टरी चूज कर लेंगे, पिक्स ओपन, देन न्यू पिक्स ओपन, तो हम दोनों डायरेक्टरी कर लिए सेलेक्ट। यहाँ पे हमारी क्वालिटी होगी सेलेक्ट, हाई पे रखता हूँ इसको मैं पहले तो, और क्लिक करेंगे कंप्रेस पे। ओके नाइस, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन और मैथड स्टेटस बार डॉट शो मैसेज मैसेज कंप्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मैसेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी एरर हमारी कहाँ पे आई है, सेल्फ डॉट स्टेटस बार वाली लाइन पे, यानी इससे पहले का जो सारा कोड है वो आई थिंक हमारा चल गया है। इसकी मैं सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे न्यू पिक्स को करूँ चेक, ओके तो ये भी नहीं चला है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एरर हेयर। ओके, स्टेटस बार के आगे मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगाने हैं, बट स्टिल इंटरप्रेटर है तो हमारा ऊपर का कोड चल जाना चाहिए था, मे बी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासेस और समथिंग। रन किया, फिर से लास्ट टेस्ट करते हैं, इसकी लास्ट तो नहीं होगा जब तक हमारा रन नहीं रहता, तब तो तक टेस्ट करते ही रहेंगे। ओके, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग न्यू पिक्स, क्लिक ऑन कंप्रेस। ओके, तो यहाँ मैसेज आ गया कंप्रेस्ड। लेट्स सी हमारा न्यू पिक्स के अंदर कुछ है भी या नहीं है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है जीरो इमेजेस, दैट्स नॉट नाइस। तो हमारा ये मैसेज यहाँ पे क्यों आ रहा है? ओके, मे बी लेट मी जस्ट चेक द यू नो जो एक्सटेंशन है इन इमेजेस का, तो वो हमारा है यहाँ पे डॉट जेपीजी, तो आई थिंक इग्नोर तो नहीं करना चाहिए था। एक काम करते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट कर दूंगा कि अगर ऊपर वाले में कोई फाइल जेपीजी नहीं मिल रही है, तो हम जस्ट यहाँ लिख देंगे इग्नोर्ड। बस फाइल, ओके, जो भी मेरी फाइल का नेम होगा। अगेन फिर से रन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट ट्राई नहीं है जब तक हमारा रन नहीं करेगा। ओके, डेस्कटॉप पिक्स, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। अगेन यहाँ पे हम करेंगे डेस्कटॉप न्यू पिक्स ओपन, तो न्यू पिक्स यहाँ पे आ गई। ओके, जो हमारा सोर्स फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया, कंप्रेस पे क्लिक कर रहे हैं, तो इन तीनों को कर दिया है इग्नोर, TSC जो भी हमारा नाम है इन तीनों कर दिया है इग्नोर। अभी इग्नोर क्यों हो रही है, लेट मी सी। तो पता है दिक्कत कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे हम 1 2 3 4 को कैच कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो हमारा डॉट भी मैंने यहाँ पे लिया है, तो लास्ट के तीन कैरेक्टर्स नहीं, एक्चुअली हमें चार कैरेक्टर्स मैच यहाँ पे करने हैं, सो दैट वाज द प्रॉब्लम हियर। ओके, तो अगर सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, नॉट इन दिस केस, इस केस में हमारा 5 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पे हमारा ये 4 कैरेक्टर्स का, अगेन यहाँ पे हमारा ये 5 कैरेक्टर्स, नाइस। अच्छा, ऊपर भी हमने ऐसा कुछ किया है इफ़ आई रिमेम्बर। ओके, तो यहाँ मैं डॉट png ले रहा था। ओके नाइस, सो सॉरी फॉर दैट गाइज, प्रोग्रामर यार गलती तो सभी से होती है। वन लास्ट ट्राई अगेन। ओके, पिक्स को मैंने चूज किया, एंड हियर आई एम सेलेक्टिंग द सोर्स डायरेक्टरी, पिक्स सॉरी न्यू पिक्स ओपन कंप्रेस्ड। ओके, फाइल नॉट फाउंड एरर, उसको ये वाली फाइल मिली ही नहीं।
आई डोंट नो वाई इट शुड बी देयर. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमारे उसमें फाइल आ रही है ना, इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि एक्चुअली फाइल में वैल्यू क्या आ रही है. ओके सो लेट्स जस्ट रन इट. अगेन वन लास्ट ट्राई. पिक्स ओपन न्यू पिक्स. ओके तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो आ रही है dsc0026.jpg. और यहाँ पे जो हमारी ओल्ड पिक है, न्यू पिक है, इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते क्योंकि हमारी फाइल का नेम तो एग्जैक्ट सही आ रहा है. प्रिंट ओल्ड पिक. ओके एंड हियर वी हैव प्रिंट न्यू पिक. ओके अगेन आई एम रनिंग दिस वन. ओप्स इट शुड बी न्यू पिक्स. ओके और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे पिक्स. ओके जस्ट सॉरी, आई थिंक आई फॉरगॉट टू री रन इट. तो फिर से रन करते हैं. रीस्टार्ट किया, कंप्रेस पे क्लिक किया, अगेन डेस्कटॉप पे क्लिक किया, पिक्स पे क्लिक किया. ओके न्यू पिक्स पे क्लिक किया, क्लिक ऑन कंप्रेस्ड. तो हमारा ये वाला प्रिंट हो ही नहीं रहा है. नाइस. ओके आई फाउंड द बग. एक्चुअली कहाँ पे दिक्कत हो रही है. अगेन सॉरी. एक्चुअली जो हम ये नीचे कोड यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमें ऊपर लिखना होगा और फाइल की जगह पे मुझे यहाँ पे ओल्ड पिक टाइप करना होगा. राइट. ओके हियर इज अ नाउ एवरीथिंग लुक्स फाइन. जस्ट वी शुड रन इट अगेन. डेस्कटॉप पिक्स ओपन न्यू पिक्स ओपन एंड क्लिक ऑन कंप्रेस. तो क्वालिटी कॉम्बो पाथ ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट. ओके आई थिंक ये कॉम्बो नहीं, ये हमारा था dir. राइट. तो टेस्ट नंबर 101 अगेन रन किया. पिक्स तो यार ये लास्ट वाला हमारा नहीं है. आई थिंक इसके बाद में और भी एक दो बार टेस्ट करना पड़ेगा. ओके क्लिक ऑन कंप्रेस. ओके सो इट इज हैपनिंग आई थिंक. ओके सो फाइनली वी गॉट द मैसेज कंप्रेस्ड. अब फटाफट से जाके देख लेते हैं. ओके डेस्कटॉप. तो सारी इमेजेस हमारी यहाँ पे आ गई हैं. तो इधर अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की तो ये टोटल हमारा है 22 MB का फोल्डर. और अगर मैं सेम विड्थ पे हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है और इधर जो हमारा फोल्डर है वो है ये तुम्हारे कोड का साइज आ गया. ओके तो ये टोटल हमारा रह गया 4.8 MB. सेम विड्थ पर भी हाई क्वालिटी में कंप्रेस कर रहे हैं तब भी हमारा 22 MB से 4.8 MB हमारा जो साइज है इमेज का, जो टोटल साइज है फोल्डर का सारी इमेजेस का, वो हमारा रह गया है. ओके वन लास्ट थिंग जो हमें करनी है वो ये कि भाई जब भी मैं कंप्रेस करता हूँ, अब इसको कर देते हैं डिलीट. ओके कि जब भी मैं कंप्रेस करता हूँ तो वहाँ पे एक परसेंटेज बार शो होना चाहिए. लाइक जो कंप्रेस्ड जो मैसेज आता है वहाँ पे एक प्रॉपर यू नो परसेंटेज शो होनी चाहिए, कितने हमारी जो पिक्चर्स हैं कितने पिक्चर्स हो गई हैं एक्चुअली. ओके तो मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी. ओके
और यहाँ पे हम जैसे हम कंप्रेशन करते हैं इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अगर आपको पता हो तो, लाइक मुझे टोटल नंबर चाहिए ठीक है इमेजेस का जो हमें मिल जाएगा यहाँ से लाइक फाइल्स राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल नंबर या टोटल इमेजेस इक्वल टू आर लाइक लेंथ ऑफ फाइल्स ठीक है, और हमारे पास में जो अभी का काउंट है वो हमें चाहिए होगा। तो अगेन व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे एक आई नाम का ले लेंगे वेरिएबल आई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ मैं कर दूंगा जब भी हम इसके अंदर आएंगे इस आई को प्लस इक्वल टू वन ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हमारा काउंट है अभी के लिए इमेजेस डन इक्वल टू आई कि कितनी इमेजेस हमारी डन हो गई हैं ओके। और ये आई को मैं यहाँ पे इंक्रीज इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ हमारी इमेजेस नहीं होंगी फाइल्स होंगी तो वो भी हमारी काउंट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल फाइल्स की लेंथ ले रहे हैं राइट। तो इमेजेस डन यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगी। अगर हमें शो करनी है परसेंटेज लाइक परसेंटेज इक्वल टू ठीक है, मैं इसको इंट में कर लूँगा कन्वर्ट, अगेन इमेजेस डन डिवाइड बाई टोटल इमेजेस ओके, तो एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे हम परसेंटेज काउंट करते हैं राइट। तो यही परसेंटेज हमें चाहिए कहाँ पे, इस मैसेज के अंदर। तो क्या हम यहाँ पे ही कर सकते हैं प्लस जो भी हमने अभी तक किया है यहाँ पे पेस्ट किया मैंने ठीक है नाइस, इसको किया कॉपी, इसको किया यहाँ पे पेस्ट ठीक है, और उसके आगे हम यहाँ पे कर देंगे प्लस एक परसेंटेज का साइन ठीक है। तो आई थिंक ये काम करना चाहिए लेकिन हु नोज, क्योंकि काम तो हमारे पहले भी कोड करना चाहिए था, फिर भी 20 से 25 बार रन करना पड़ जाता है ओके। अगेन आई एम सेलेक्टिंग डेस्कटॉप पिक्स ओपन न्यू पिक्स ओपन एंड क्लिक ऑन कंप्रेस ओके, मस्ट बी str नॉट int, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, जो भी हमारी इंटीजर है वो कंकेटनेट नहीं कर पा रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में ओके। देन अगेन सेम प्रोसेस पिक्स ओके, आई एम सेलेक्टिंग न्यू पिक्स ओपन कंप्रेस, तो यहाँ पे टोटल हमारा मैसेज प्रॉपर शो हो रहा है राइट। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, न्यू पिक्स के अंदर जितनी भी पिक्स हैं वो मैं कर देता हूँ डिलीट ओके, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम कर लेते हैं ओपन, फिर से कंप्रेस को क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैसेज देखो 50% 75% एंड डन ओके। तो जैसे ही हमारा ये डन होगा तो हम जस्ट नीचे यहाँ पे कंप्रेस 100% भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, कंप्रेस मैसेज खाली ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो जो आपको लिखना है। अगेन जस्ट फॉर योर श्योरिटी कि जो हमारा फोल्डर का साइज़ कम हो के आ रहा है वो टोटल हमारा कितना आ रहा था 22 MB से 4.8 MB राइट। तो कोई सी पिक की मैं यहाँ पे विड्थ चेक कर लेता हूँ लाइक प्रॉपर्टीज़ ठीक है। तो ये विड्थ हमारी है 3456 पिक्सल्स है ओके। तो अगर मैं सेम यहाँ पे इसको देखता हूँ हमारी सेम इमेज को पिक्स ओके, हियर वी गॉट इट, ये वाली थी क्या, तो जो इसकी विड्थ है वो हमारी है 3456 ओके। तो दोनों की सेम विड्थ है ओके। सो गाइज आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।